पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही शाहदरा जिला पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर बार एसोसिएशन से बातचीत की जा रही है। शाहदरा जिला के डीसीपी ने बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट में सुबह करीब 10:30 बजे कुछ वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 अप्रैल 2022 को नीरज नामक अधिवक्ता को थाना नंद नगरी में पीएस नंद नगरी के एसआई सचिन दांगी ने पीटा था। शुरुआती विरोध, नारेबाजी और शोर शराबे के बाद उन्होंने वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और हाथापाई शुरू कर दी। कड़कड़डूमा कोर्ट में मौजूद स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इन प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं को तितर बितर कर दिया गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए शाहदरा बार एसोसिएशन के साथ बैठकें की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में शाहदरा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वीके सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट नहीं की गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के एक वकील नीरज झा के साथ मारपीट की गई है, उसका विरोध जताया गया है। एडवोकेट नीरज झा ने आरोप लगाया कि उनके एक क्लाइंट को नंद नगरी थाना पुलिस ने हिरासत में लिया था। क्लाइंट के बुलाने पर वह नंद नगरी थाना पहुंचे, जहां पर एसआई सचिन ने उसके साथ मारपीट की और वहां मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे। बहरहाल पूरे मामले की जानकारी उत्तर पूर्वी जिला पुलिस को भी दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सर, आज क्या मामला था कि हमने पता नहीं, कुछ पुलिस और वकीलों में कुछ कहा सुनी हुई है, क्या है सर? हाँ, थोड़ी कहा सुनी हुई है, क्योंकि कल थाना नंद नगरी में हमारे एक एडवोकेट भाई, मेंबर हमारी बार के, मिस्टर नीरज झा, तो उनके कोई क्लाइंट का फ़ोन आया था, तो वकील साहब मिलने गए थे क्लाइंट से। वहाँ मिलने गए तो वकील साहब ने पूछा भी यहाँ पर गए, जहाँ पे सब इंस्पेक्टर थे, मिस्टर सचिन नाम था उनका, तो सचिन जी से पूछा भी मेरे क्लाइंट को, बंद किया कि तू कौन है, उसे बड़ी मिसबिहेव किया। वकील साहब को पहले गालियाँ थी, वकील साहब ने मुझे गालियाँ मत दीजिए आप, कहते नहीं तुझे गालियाँ, तुम वकील बहुत बनते हो अपने आप में। जो हमारे थोड़े वकील साहब ने को थोड़ा बाहर निकल, वकील साहब बाहर निकले, उसके बाद सचिन ने और एक कॉन्स्टेबल था, उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, बुरी तरीके से मारा, उसकी आँख में चोट लगी और उसको वकील साहब को उठा के बंद कर दिया, उसमें लॉकअप में दे दिया। कि कई वकील आए तो उसने इतनी बर्बरतापूर्वक मारा है उसको कि उन्होंने उसको कुत्ते से कटवाया थाने के अंदर, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में है। वहाँ पे और पुलिस ऑफिसर भी थे, मिस्टर वहाँ का एटीओ था, वो भी प्रेजेंट था, लेकिन किसी ने भी वकील साहब को बचाने की कोशिश नहीं की। सर, ऐसा क्या था कि उनके मन में वकीलों के खिलाफ इतनी वो थी कि उन्होंने उनको कुत्ते से भी कटवाया, उन्हें मारा भी? ये लोग एक्चुअली में वकील को समझते हैं कि वकील हम उनके दुश्मन, जबकि वकील और पुलिस हमेशा एक साथ रही है, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस बात का वकील साहब से बदला लिया है कि बुरी तरीके से मारा और गंदी गंदी गालियाँ दी थाने के अंदर। तो क्या सर, अब आपने क्या कोई FIR दर्ज कराई, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज कराया है? आप और आपके आगे जो बार, आपके बार एसोसिएशन है, उनका आगे नेक्स्ट कदम उनका क्या है? हमारे हमारी नॉलेज में आज आया ये मैटर, कोई यहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, जब प्रोटेस्ट रहा था, हमने हमारी नॉलेज में आज आया, हमने जाके फिर डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बात करी, डिस्ट्रिक्ट जज शाहदरा से, और तो DCP शाहदरा साहब भी आए थे और अदर पुलिस ऑफिसर भी थे, तो उनसे बात करी तो उन्होंने कहा, एश्योरेंस दिया पूरा कि हम पूरा इस पर इन्वेस्टिगेशन करके काम करेंगे। लेकिन ये मामला नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है, तो क्योंकि नंद नगरी थाना नॉर्थ ईस्ट में आता है और ये मामला नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है, तो इसलिए फिर हमने DJ हमारे जो सेकेंड हैं मिस्टर रमेश कुमार जी, उनसे मुलाकात करी, उन्होंने DCP नॉर्थ ईस्ट को अभी बुलवाया 2 बजे के लिए। वकील क्या चाहते हैं कि उन पुलिस वाले के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? हमारे वकील चाहते हैं कि हम करें, करके दिखाएंगे, उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे DJ साहब से कि इनके खिलाफ में प्रॉपर FIR दर्ज हो प्रॉपर सेक्शन में और उसको तुरंत भाव से सस्पेंड किया जाए या डिसमिस किया जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गलत काम वकील कमेटी के साथ किया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज झा। झा साहब, कल आपके साथ क्या हुआ? कुछ सुनने में कि आप उस थाने में गए थे, वहाँ क्या आपके साथ स्टैंड? एक्चुअली अराउंड 11 o'clock शाम रात को मेरे पास में कॉल आता है, मेरे पड़ोस में एक सुनील है, उसका कॉल आया, उसने मुझे बोला कि नीरज जी, मेरे को पुलिस ने पकड़ रखा है और मेरे साथ मारापीटी करी है, हम दो लोग हैं, आप प्लीज़ आ जाइए, मुझे लॉकअप में बंद कर रखा है। मैंने, तुम कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? कहना, लॉकअप से कर रहा हूँ किसी का फ़ोन लेके। मैंने, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी उठाई और मैं वहाँ पर मास्क लगा के प्रॉपर वे में, कि मैंने कहा कि आजकल उनके नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, तो मैं प्रॉपर मास्क लगा के मैं एंटर किया मैंने, और मैंने आते ही DO फ्रंट डेस्क पे मैंने पूछा कि इसको क्यों बंद कर रखा है, IU कौन है? तो उन्होंने बोला कि मुझे सचिन IU है। तो मैं सचिन जी के पास गया, लेफ्ट में ATO रूम है, ATO रूम में वो ATO साहब बैठे हुए थे, मिस्टर नितिन जी, और ये सचिन डांगी ये बैक पीछे करके खड़े थे। तो मैंने बोला कि सर, मुझे आपसे मिलना है, 2 मिनट के लिए बाहर आ जाइए। तो उन्होंने बोला कि बाहर खड़ा रहे,
तो फिर दोबारा से दोबारा टर्न किया, मुझे बोला कि कौन है तू? मैंने कहा मैं एडवोकेट नीरज हूँ, मुझे आपसे दो मिनट के लिए बात करनी है। तो वहाँ तो खड़ा रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं पाँच मिनट, मैंने तीन चार मिनट वेट करा, वेट करने के बाद वो दोनों बाहर आए। बाहर आने के बाद फिर वो बातें करने लगे किसी वजह से। मैं दोबारा उनके पास गया, मैंने सर मैं आपके दो मिनट लूँगा, मुझे कुछ पूछना आपसे। कहता हाँ तू पहले तू ही बता, तुझसे निपटता हूँ मैं, क्या बात है? उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी तो मुझे लग गया था कि बहुत अजीब। मैं बहुत ही सॉफ्ट हो गया, मैंने सर मैं दो मिनट लूँगा, मेरे क्लाइंट है सामने सुनील, जिसको आपने लॉकअप में बंद कर रखा है, मुझे ये जानना है कि आप क्यों पकड़ के लाए हो। कहता तू कौन है? मैंने कहा मैंने आपको बताया है ना, मैं फिर मैंने अपना अपना आई कार्ड दिखाया, विजिटिंग कार्ड दिया उसको, और तो उसको देख के उसने हाथ में रख लिया और बोलता है कि सुनील कौन लगता है तेरा? मैंने कहा सुनील क्लाइंट है मेरा। कह रहा कौन सा सुनील? मैंने कहा वो खड़े हुए। कह रहे यहाँ तो बहुत सारे लड़के खड़े हैं। मैंने सर आप उधर देखो तो सही कि कौन है। तो जब मैंने उनको पॉइंट करा तो कह रहा तू मुझे सिखाएगा? इतना कहते उसने हिट करा मेरे मुँह पर और कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम्स मेरे स्लैप मारा, और फिर ये नीज और एल्बोज, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है विद इन सेकेंड। और सारी पुलिस एटीओ और भूपेंद्र शैलेंद्र करके एक और पुलिस में थे और अमित सामने बैठे हुए थे जिनका नाम मैं देख पाया यहाँ पर। मतलब मेन जो था वो सचिन डांगी है एसआई, उसने मुझे बहुत मारा, कंटिन्यूसली मारता गया और एक ही आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी कि इन वकीलों ने बहुत अधिक उतार रखी है, इन सालों को मारो, इनको मारो, मारो, मारो। और कहने के बाद मुझे वहीं पर लॉकअप का था, उसका डंडा हटाया, मुझे अंदर धक्का दे दिया। तो आपका एक ही पुलिस ने मारा या काफ़ी लोगों ने? मुझे सचिन डांग जो मैंने, क्योंकि दो तीन लगने के बाद मेरे ये मुंह पे लगते ही स्वेलिंग आई, मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता मैं नीचे था। उसके बाद मुझे लात और घूंसे ये सब चल रहा था, मुझे नहीं पता और लोगों ने मारा कि नहीं मारा, पर स्टार्टिंग सचिन ने करी है। तीन चार पंच के बाद मुझे होश नहीं आया। अच्छा, जब आपको लॉकअप में डाल दिया तो उसके बाद आपको लॉकअप में कितनी देर उन्होंने बंद? वे दिन है, मतलब मिनट्स भी नहीं हुआ होगा, मैं खुद निकल गया क्योंकि डंडा वहाँ पर था। मैं उसे डंडा खोला, मैंने कहा मुझे किस वजह से बंद कर रखा है? तो इतने में लोगों को समझ में आ गया कि मैं एडवोकेट हूँ और शायद इन्होंने कुछ गलती करी है या फिर जो भी रहा। तो उन्होंने बड़े सॉफ्ट तरीके से बात करी कि वकील साहब आप आइए आइए। मैंने कहा मैं कहीं नहीं आऊँगा। तो एटीओ रूम में मुझे खींच के लेके जा रहे थे, मैं नहीं गया। मैंने कहा मैं यहीं सामने कैमरे के सामने खड़े होकर बात करूँगा, मैं किसी से बात नहीं करनी मुझे। मैंने कहा मुझे सौ नंबर पुलिस करनी, मेरा मोबाइल दो। मेरा मोबाइल नहीं दे रहे थे, मैंने उनसे अपना मोबाइल मांगा, खींचा मोबाइल लेके। तो इतने में मेरे यही आए मिस्टर सुतांशु जी, इन्होंने आए और साथ में और भी दो तीन लोग आए। उन्होंने आने के बाद थोड़ा सा बोला कि कौन है। सचिन डांगी पीछे की तरफ साइड में खड़ा हुआ था और इन लोगों के सामने ही एकदम से पीछे से ऊश की आवाज़ आई मुझे, और उनका कुत्ता भागा हुआ आया और मुझे यहाँ पर बाइट किया। तो यहाँ पर मेरे को बाइट करने के बाद फिर इतने में ये सब लोग चिल्लाए कि ये क्या हो रहा है, ये तुम लोग क्यों यहाँ पर अति उतार रहे हो हम लोगों के साथ में। तो इतने में तो फिर वो भगदड़ मच गई और किसी ने फ़ोन कर दिया होगा, तो स्पेशल फोर्स आ गई वहाँ पर। और स्पेशल फोर्स आने के बाद हम लोगों को उन्होंने खदेड़ते हुए डंडे मारते हुए बाहर लेके गई है। तो अब झा साहब आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह से देखना चाहते हैं कि उसको क्या सजा हो? मुझे सजा चाहिए सचिन डांगी जिन्होंने मुझे मारा। मैं अप्रोप्रिएट FIR कराना चाहता हूँ, जो जो उसने किया है मेरे पे, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उनको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए, उनको सस्पेंड होना है, जिसमें कि ATO साहब वहाँ पर खड़े थे नितिन जी, वो भी लाइन हाजिर या सस्पेंड होने चाहिए। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। रात को भी मुझे कॉल आए थाने से कि एक मिनट आ जाओ, बस सेटलमेंट कर लो, मुझे किसी से कोई सेटलमेंट नहीं करना है। अगर मेरी गलती है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल मेरे को जो पनिशमेंट दी जाएगी मैं लूँगा, लेकिन मुझे जो उन्होंने मेरे साथ किया है मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तकरीबन पूरा 17 से 18 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक क्या FIR दर्ज नहीं हुई है? FIR दर्ज नहीं हुई है। चार मैंने कॉल करी है, जिसमें कि मेरे साथ में सुतांशु जी ने खुद भी कॉल किया और मिंटू हैं उन्होंने कॉल किया, उनकी पूरे जो लॉ टीम थी हमारी वो सारे वहाँ पर मौजूद थे थाने के अंदर, उन सब ने कॉल करा पर किसी ने मतलब कोई रिस्पांस नहीं आया। जहाँ साहब आपके किसी बड़े अधिकारी से बात हुई? मेरी किसी से नहीं हुई, मैं जस्ट अभी DJ यशवंत सिंह के रूम में गया हूँ तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कुछ करता हूँ आपके लिए, जो हो पाएगा मैं करूँगा ये बोला सर। सॉरी VK सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये वहाँ पर मौजूद थे, इनके कहने की वजह से इन्होंने मुझे लेके गए और वहाँ पर उनसे बोला गया। वहाँ पर DCP साहब थे वहाँ पर शादरा, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बोला कि हम इस पर एक्शन लेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।